सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हनीप्रीत के बारे में हर रोज नए राज सामने आ रहे हैं। गुरमीत के ड्राइवर रहे खट्टा सिंह के बेटे गुरदास का कहना है कि हनीप्रीत मजबूरी में उसे तबाह करने की नीयत से ही गुरमीत के साथ रह रही थी। वहीं हरियाणा पुलिस अब हनीप्रीत को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है। हनीप्रीत का पूर्व पति विश्वास गुप्ता हालांकि उसे गुरमीत की प्रेमिका मानता है, लेकिन गुरदास के मुताबिक सच्चाई कुछ और है। गुरदास ने बताया कि गुरमीत ने हनीप्रीत पर बुरी नजर डाली थी। उसने हनीप्रीत की शादी करवाई और शादी के फौरन बाद एक रात उसको अपनी गुफा में बुला लिया। गुरदास का कहना है कि वह उस रात गुफा के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। अगली सुबह हनीप्रीत गुरमीत की गुफा से रोती हुई बाहर निकली थी। गुरदास ने टीवी चैनल को जो बताया उसके अनुसार उन दिनों हनीप्रीत के दादा डेरे के खजांची हुआ करते थे। हनीप्रीत सीधे दादा के पास गई। हनीप्रीत की यह हालत देखकर तब उसके दादा ने डेरे में काफी हंगामा किया और गुरमीत के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, लेकिन उन्हें तब हथियारों के दम पर चुप करा दिया गया। इसके बाद हनीप्रीत डेरा छोड़कर अपने घर फतेहाबाद के लिए निकल गई, लेकिन तब हनीप्रीत का पीछा किया गया और हथियारों के दम पर उसे रास्ते में ही एक ढाबे से उठाकर डेरे पर वापस ले आया गया। यही वह दिन था जब हनीप्रीत ने कसम खाई कि वह गुरमीत को बर्बाद करके छोड़ेगी। गुरदास को अब लगता है कि गुरमीत की इस तबाही के पीछे शायद हनीप्रीत की वह कसम ही है, क्योंकि हनीप्रीत ने ही गुरमीत को फिल्मों का चस्का लगाया। हनीप्रीत के कहने पर ही गुरमीत डिजाइनर बाबा बना और एक संत की मर्यादा भूल बैठा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूज चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।